तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं करंट यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन के समर स्लैम 2020 में होने वाले अपोनेंट के बारे में कि वो अपोनेंट कौन होगा, द फिंड ब्रे वाइट या कोई और हम द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में बात करेंगे कि वो WWE अपना रिटर्न कब करेगा, और अगर रोमन रेंस समर स्लैम से पहले WWE अपना रिटर्न किया तो किस सुपरस्टार के पीछे जाएगा। तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करना। और दोस्तों, मैं हूं आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। तो दोस्तों, फाइनली एक्सट्रीम रूल्स 2020 खत्म हो गया, और एक्सट्रीम रूल्स 2020 के बाद WWE का अगला पेपर यू समर स्लैम है, और समर स्लैम WWE की चार सबसे बड़े पेपर यू में से एक है, और समर स्लैम में जितने भी मैचेस होते हैं वो सारे बड़े बड़े होते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक्सट्रीम रूल्स 2020 देखा है तो आपने इन दोनों का मैच देखा होगा कि ये मैच WWE ने एक फिल्मी टाइप बनाया था, और इस मैच में हमें काफ़ी शॉकिंग चीज़ें भी देखने को मिले थे, और इस मैच के आखिर में ब्रे वाइट अपने पुराने कैरेक्टर द फिंड कैरेक्टर में भी नजर आते हैं। और दोस्तों, ये सबको बताना चाहूंगा कि जब से द फिंड ब्रे वाइट का कैरेक्टर शुरू हुआ वहां से लेकर अभी तक फिंड कैरेक्टर सिर्फ एक मैच आ रहा है, वो भी गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, और जब से ब्रॉन स्ट्रोमैन यूनिवर्सल चैंपियन बनाए वहां से लेकर अभी तक ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया है। तो इसीलिए समरसलैम 2020 में इन दोनों का मैच अगर हुआ तो ये कहना मुश्किल होगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। और दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, अगर समरसलैम 2020 में इन दोनों का मैच हुआ तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। और दोस्तों, रूमर्स ये भी सुनने में आ रहा है कि रोमन रेंस समरसलैम 2020 से पहले WWE अपना रिटर्न करेगा, और रोमन रेंस अपने घर में काफी वीडियोस बनाते हैं वर्कआउट वाले, तो इसे पता ही चलता है कि रोमन रेंस रिटर्न के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। और रोमन रेंस ने एक वीडियो में ये बताया कि अगर वो WWE में रिटर्न हुआ तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे भागेगा, क्योंकि रोमन रेंस ने रस्म 36 में कोरोना की वजह से यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच छोड़ दिया। तो इसीलिए अगर रोमन रेंस WWE अपना रिटर्न किया तो WWE उसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे लगाएगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी द फिंड ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन का फ्यूड काफी चल रहा है, तो इसीलिए समरसलैम में इन दोनों का मैच तो तय है। और दोस्तों, अगर रोमन रेंस WWE अपना रिटर्न किया तो WWE इसका मैच भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रखेगा, और फिर इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, अगर रोमन रेंस द फिंड ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ तो ये मैच में कौन जीतेगा, रोमन रेंस द फिंड और या ब्रॉन स्ट्रोमैन, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।